दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, मेरा नाम मोहन कुमार है। मैं पेशे से एक लेक्चरर हूँ। आज से करीब 3 साल पहले मैं छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, तब ये घटना मेरे साथ घटी थी। उस समय ट्रेन तेज रफ्तार से भागी जा रही थी। शाम का समय था, तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक एसी कंपार्टमेंट की खिड़कियों से अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। कैबिन का सुनसान माहौल मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन छोटे से एक स्टेशन पर रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इंतज़ार कर रहा था कि कोई यात्री आए जिससे मैं बातें करते करते टाइम पास करूं, और एक अंदरूनी डर जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान रखने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला कि वो अनिल घोष है और कोलकाता में पुनर्जन्म से संबंधित एक वर्कशॉप में भाग लेने के लिए जा रहा है। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर के एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ और छुट्टी लेकर पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने को कहा, लेकिन मैंने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं सफ़र के दौरान कुछ खाता पीता नहीं हूँ। वो ज़ोर से हंसा और बोला, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। उसकी ये बातें सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। खैर, मैंने सोचा कि शायद ये मजाकी स्वभाव का आदमी है। अगला स्टेशन आने पर वह उतर गया और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर वापस आ गया। मेरे पूछने पर उसने कहा कि वह बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता है। हम दोनों पुनर्जन्म पर बातें कर रहे थे। उसने पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे ये पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, ये एकदम बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, पर वो भूतों के अस्तित्व को नाकार रहा था। अब रात हो चुकी थी, मैं सोने ही वाला था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा, पर वहाँ कोई नहीं दिखा। मेरे अलावा उस कंपार्टमेंट में मेरे साथ सिर्फ अनिल ही था, जो सामने की सीट पर घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने लगा। अभी आँख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की जोरदार आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि अनिल यहाँ नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो वापस आया और बोला, जनाब अब सोए नहीं? मैं अपने डर को काबू करते हुए बोला, नहीं दोस्त, अभी मुझे नींद नहीं आई। और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाला और पढ़ने का नाटक करने लगा। अनिल भी लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे की आवाज़ पूरे कैबिन में गूंजने लगी। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती तो कभी तेज़ हो जाती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज़ रफ्तार पकड़ ली थी। मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो अनिल मुझे वहां नज़र आया। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं चिल्लाते हुए अपनी सीट की तरफ भागा और देखा कि वो तो इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था। जब मैंने उसे जगाया तो वो मेरे साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे वह कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, तुम यहाँ भी और वहाँ वॉशरूम में भी? तब वो जोर से हंसा और बोला, मैं कई रूप ले सकता हूँ और कहीं पर भी रह सकता हूँ। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया।
डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। तभी कैबिन के अंदर टिकट चेकर आया और उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि वो अनिल ही था और मुझे डरावनी सी एक मुस्कान देते हुए हवा में गायब हो गया। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।